You are tuned in to Showbiz Masala on Mars FM 103. Ladies and gentlemen, it was about Showbiz Masala. Zara zara, filmi ho jao. Yeah, yeah. Film reviews, hot news, gossips, music, email, requests और बहुत बहुत कुछ जो सोचा है ना वो सब मिल जाएगा Showbiz Masala. It's just another sad love song. Exclusive chit chat. Reena Malik, Assalamu Alaikum ji. Waalaikum Assalam, Mr. Ejaz. Thank you so very much. Itna beautiful introduction to mera aaj tak kabhi kisi ne nahi kiya hai. I'm thrilled. Imran Abbas ho jaye phir us din ka jo vaada hai. Wah. बोलो मेरी राधा क्या इरादा है. पाकिस्तान, वी आर प्राउड ऑफ हर. रीमा खान, रीमा अस्सलाम वालेकुम. ये आपका अपना प्यार है जो आप मुझे कह रहे हैं, लेकिन अभी तो ये आगाज है सफर का, क्योंकि जब आप ये सोच लेते हैं कि आपने वो मकाम हासिल कर लिया जो आपने सोचा था, तो मेरे ख्याल में उसी दिन से आपका जवाल शुरू हो जाएगा. डोंट फॉरगेट टू ट्यून इन एवरी संडे नाइट 10 PM with Dr. Ejaz Wares. You just can't afford to miss it. अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपकी शान, आपका मान, आपकी जान यार मस्त FM 103 और मुझे कहते हैं डॉक्टर एजाज वारिस. जी जनाब, क्या हाल है आपके? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और हमारा इंतजार करते होंगे. यस, एंड आई एम बैक विद अ बिग बिग बैंग इन दिस चिलिंग विंटर्स. ठीक हो गया ना? वक्त हो गया आपके हॉट फेवरेट शो Showbiz Masala, जरा जरा फिल्मी हो जाओ. और जहाँ वाकई सर्दियां आ गई है यार, ठंड लग रही है, मैंने ठंड लग रही है. अब मजा आएगा, ईमान से सच कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में और खासतौर पर लाहौर में इतनी लंबी गर्मियां होती हैं कि ख्वाब लगता है कि यार सर्दियां आ गई, आए हाय, अब हम अखरोट खाएंगे, चलोजे, मूंगफली और संतरे. और आज का प्रोग्राम है, स्पेशल शो है यार. आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सुपर डुपर स्टार को, and he's just arriving in 5 minutes. Yes, मैं उनका नाम बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बहुत सस्पेंस रखेंगे हम ताकि जब वो आएंगे तो आपके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी. Yes, he's such a big big celebrity यार, क्या बात है उनकी. ऐसे करते हैं कि शो का स्टार्टम लेते हैं और जबरदस्त से गाने से आगाज करते हैं आज के शो का. जल्दी हिला दो ना, लदल शिकारे, सबनु हिला दे, हेलो हॉर, जाग जाओ, आपका जाजी आ गया. और जब ला जाजी आता है ना, मजा आता है यार. एक सुपरस्टार की अराइवल का बिगल बजाते हैं. आफ्टर 5 मिनट्स वो होंगे हमारे साथ, आपके सामने होंगे यार, आपके दिलों में होंगे. और फिलहाल अजब प्रेम की गजब कहानी से एक बिंदास ट्रैक से आगाज करते हैं Showbiz Masala, बर्निंग लाहौर, हेड गाओ. और मुझे कहते हैं डॉक्टर एजाज वारिस. Okay.
वेलकम बैक। और जनाब हमने अनाउंस किया था कि एक सुपरस्टार जो है वो बिल्कुल हमारे इस ठंडे से स्टूडियोज में आने वाले हैं एंड ही इज बैक विद अ बिग बिग बैंग। लेकिन आप जानते हैं जब भी कोई आता है तो मैं पहले अपने अंदाज में एक विगर जरूर बजाता हूँ कि वो कौन है, क्या करते हैं, राइट? तो हियर वी गो जनाब, आज के जो हमारे गेस्ट है ना, ही इज अ बॉर्न सुपर स्टार, राइट? ही इज बॉर्न टू रूल दिस कहते ना शोबिज अरीना। ही इज डेडली हैंडसम, ही इज टैलेंटेड, यस, and he is currently reigning heartthrob, right? और इन्होंने जनाब फिल्म से स्टार्ट किया और फिल्म जो भी की वो माशाल्लाह से बहुत बड़ी हिट्स हुई, लेकिन पता नहीं क्यों इन्होंने टर्न लिया टीवी का। और मेरा ख्याल से कि वो इनका बहुत जबरदस्त सा फैसला था, क्या कहते हैं, गलत बिल्कुल नहीं था। और फिर सीरियल पे सीरियल दिया और इतने सीरियल्स दिए, वो खुद नाम बताएंगे आपको उन सीरियल्स के, और अब वो आपके दिलों पे राज कर रहे हैं। यस, ऐसा करते हैं आपको छोटी सी एक क्लिपिंग सुनवाते हैं, जरा गेस करें, बिकॉज यू नो होमवर्क तो करना होता है ना, तो आज का क्लिपिंग सुन लीजिए। छोटा सा गिफ्ट तो दिखा तो दो। मेरे लिए लाया तो मुझे तो दो। खुदा ना मगर किस खुशी में? आज हमारी शादी को एक महीना हो गया है। हैप्पी फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी। क्यूट, बहुत प्यारी है। और मेरे ख्याल से कि उन्होंने इतने ड्रामे कर लिए हैं कि उनको शायद अब तक खुद मालूम नहीं हो पा रहा कि ये कौन सा ड्रामा है। लेकिन ये थी क्लिपिंग फ्रॉम हिज लेटेस्ट हिट दिल दर्द एंड धुआं। यस, और उनके साथ थी सादिया इमाम। भाई सादिया इमाम तो नहीं है हमारी गेस्ट, लेकिन आज जो हमारे गेस्ट है ना, ही इज नन अदर देन योर वेरी वेरी हॉट फेवरेट जनाब एहसन खान। यस, यार क्या बात है, देखा ना, मैंने कहा था ना कि आपके प्यारे दिल से निकलने वाली है उनका नाम सुनकर। जैसे कहते हैं बिल्कुल डिले नहीं करते, एंड ही इज हियर, उनको सलाम करते हैं, आपकी जानिब से वेलकम करते हैं एहसन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपको? जी बिल्कुल ठीक, आप सुनाए, आप कैसे? तो मेरे पास अगर माइक के तो काइंडली जरा और ऊंची, हाँ बहुत बेहतर हो जाएगा। कैसे आप? ठीक ठाक एहसन? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और एक शेर मुझे याद आ गया, बहुत देर की मेहरबान आते आते वैसे बिकॉज मैंने आपको बहुत देर से वो रखा हुआ था उस पर, लेकिन आप इतने बिजी हैं, आई मीन इतना बिजी स्केड्यूल, आई मीन क्या हो गया? नहीं नहीं, एक्चुअली आपके मैसेजेस और आपकी अरसे से आ रही थी, बट आई वाज जस्ट, आई डोंट नो, देयर इज ऑलवेज अ राइट टाइम फॉर समथिंग, कुछ पता नहीं होता कभी, जब लिखा होता तब वो हो जाता है ना, तो जो चीज जिस वक्त पे होनी होती है वो फिर उसी वक्त। तो ऐसे से पहले हम छोटी सी ऑफिशियल टॉक शुरू करें, एक बात पूछना चाहता हूँ कि इतनी यंग एज में इतना कुछ मिल गया आपको, कैसा फील कर रहे हैं? पता नहीं, मुझे ये नहीं पता कि मुझे कितना कुछ मिल गया, इसलिए अभी तक आई कांट से एनीथिंग ऑन इट, आई हैव नो आइडिया मुझे कितना कुछ मिल गया। अच्छा, मतलब मैं, मुझे आप कह रहे हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि आई वांट लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी और बिग नेम और समथिंग, लेकिन शायद आई नॉट बीइंग मॉडेस्ट, लेकिन सच्ची बात है कि मुझे अंदाजा ही नहीं कि मैं, मुझे लोग कितना पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, कितना लोग बुरा समझते हैं या मैं कितना अच्छा हूँ, आई हैव नो क्लू, इसलिए आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। यू हैव नो आइडिया एट ऑल, राइट? लेकिन हमें पूरा आइडिया है कि आप माशाल्लाह से इस रेनिंग सुपरस्टार हैं, और माशाल्लाह से अभी आप देखेंगे कि किस तरह हमारे एसएमएस की वादी भरती है, तो आपको देख लेंगे इंशाल्लाह, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। एंड लेट्स स्टार्ट सम ऑफिशियल टॉक, थोड़ी सी बात करेंगे, 10 मिनट लेता हूँ हमेशा स्टार्ट में, ऑफिशियल टॉक कहता हूँ मैं उसको, आपकी डेट ऑफ बर्थ। इसे बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी जो नए, 9th अक्टूबर 9th अक्टूबर